नमस्कार मु अरुणिमा आपण समस्तंको ओडिया देश रेसिपीरे बहुत बहुत स्वागत। आज आमे ओडिसा रो अथेंटिक छुंची पत्र पिठा रो रेसिपी नै के आछि। पूरा तुला परी नरम आ बहुत ही टेस्टी एही पिठा को जे कोनोसी पूजा पर्व रे आपण तयारी करि परिबे, जहा खूब कम टाइम रे खूब कम परिश्रम रे झटपट तयारी होई परिबो। आउ देखिबे आपण समस्तंको बहुत ही भल लागिबो। भल लागिले गोटे लाइक करंतु, आउ आपणकर फ्रेंड्स आउ रिलेटिव का सहित शेयर करंतु। आउ जदि मो चैनल ले नुवा सब्सक्राइब करि पाखरे थिबा बेल आइकन ऑल बटन रे क्लिक करि नियंतु, जा द्वारा मोर आगु को आसुथिबा सबु वीडियो रो नोटिफिकेशन आगो करि पाई परिबे। ताहले देरी न करके चालंतु आरंभ करिबा आजर एही ओडिसा रो अथेंटिक पिठा छुंची पत्र पिठा। तो प्रथम एही पिठा तयारी करबा को गोटे कप अरुआ चावल को 4-5 घंटा पूर्व रु बतुरे के रखि नबा। एठी मु 4 कप रे मापे की गोटे कप नै छी। आपण आपण को घरे थिबा जे कोनोसी कप किंबा गिना रे मापे की आपण को क्वांटिटी अनुसार नै परिबे। चावल हमर जेत्ते के बढ़िया बतुरीबो सेत्ते के बढ़िया एही पिठा सॉफ्ट हबो। तो एठी मु 4-5 घंटा पूर्व रु चावल को बतुरी सारछि। तो एबे एहा को चालंतु बाटी नबा। तो नै जेबा गोटे ग्राइंडिंग जार आ छोटो वाला आपण जार नेबे। देखिबे बहुत ही भलो भाव रे चिकन करिके आपण बाटी परिबे। तो सबो चावल को 2-3 थर धोई कि एही ग्राइंडिंग जार रे एबे पकेइ नबा। एबे सेतिरे दे दबा अल्प पानी आउ भल्लो भाबरे चिकन करके आमे बाटी नबा। तो एठी मने रखिबे जेत्ते बेले भी आपण चावल बाटिबे सेत्ते बेले अल्प पानी देकि बाटिबे। देखिबे बहुत ही भल्लो भाबरे चिकन करके आपण बाटी परिबे। तो चावल रो पिठो एबे रेडी होई जाइछि। एबे एहा को गोटे बडो जागा को आमे ट्रांसफर कर नबा। तो एही छुंची पत्र पिठा पई आमर चावल रो बैटर पूरा पतला हबा दरकार। तो सेति पई एथिरे सेही बट्टा होइथिबा ग्राइंडिंग जार रे आउ गोटे कप पानी देकि एथिरे मिसै नबा। तो एथिरे पानी आपण एमिति ऐड करिवे जेमिति कि आमर झोटी बा चित्ता पकेला भलिया चावल रो बैटर आमर तयारी हबो। तो देखि पाउथिबे केते पतला बैटर होइछि। एबे एही बैटर को घोडै नबा आउ गोटे घंटा पई बाहरे साइड रे रखि नबा। देखिबे पिठा आमर बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हबो। तो सही टाइम रे चालंतु एबे नडिया रो पूरा को तयारी करिबा। तो सेथि पई नै जिबा गोटे बाउल नडिया रो कोरा को। नडिया जेति के नबे तार आधा क्वांटिटी नै जिबा गुड़ को। पूरा रे गोटे बढ़िया फ्लेवर पई 8-10 गोलमरच को गुंड करिकि नै जिबा। फ्रेश गोलमरच रो गुंड करिकि नबे। देखिबे पार्टी को बहुत ही बढ़िया टेस्ट लागिबो। आउ 5-6 गुजराती को गुंड करिकि नबा। देखिबे बहुत ही बढ़िया बासना आसिबो। तो चालंतु एबे स्टफिंग बा पूरा को तयारी करिबा। तो कढ़े को गरम हवा को बसई नबा आउ सेथिरे प्रथमे गुड़ को पकई नबा। गुड़ मेल्ट हवा को सेथिरे 2-3 चमच भलिया पानी को एबे ऐड कर नबा। फ्लेम को मीडियम रे रखि कि भलो भाव रे मिसई नबा आउ गुड़ को मेल्ट हवा को छाड़ी दबा। गुड़ भलो भाव रे मेल्ट होई गले एबे पकई नबा नडिया रो कोरा को आउ गुड़ रे भलो भाव रे आमे मिसई नबा। नड़िया मिसेबा टाइम रे पकई नबा गुजराती रो गुंड को आ गोलमरच रो गुंड को। एठी गुड़ बदल रे आपण नै परिबे चीनी। चीनी रे केमिति पूर प्रस्तुत करिवे आगरु बहुत सारा रेसिपी रे अपलोड होई सारी छि, जहार डिटेल्स पाई जिबे मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। नड़िया को गुड़ रे एमति मिसेबा जेमिति नड़िया रो पानी हल्का हमरो सुखी जिवो। तो किछि समय पर एठी देखंतु हमरो स्टफिंग रो पानी कमी जाई छि। यार टू आ अधिक पानी को ड्राई करबानी। तो एबे एहा को आउ गोटे जगह को बाहर करनबा आउ पूरा को ठंडा हवा को छाड़ी दबा। तो एठी गोटे घंटा प्राय होई सारछि। एबे चालंतु आमर बैटर रो घोडना को काढ़ी नबा। तो गोटे डंकी सहाय्य रे भलो भाव रे मिसै नबा जेमिति कि कोनोसी गोटालिया होई कि चावल रो बैटर रही न जाए। एबे सेतिरे 1/2 चमच किंबा स्वाद अनुसार पकेइ नबा लुण को आउ भलो भाव रे मिसै नबा। एही पिठा तयारी करबा को आमे गोटे पतला सूता कपड़ा नबा। देखंतु एठी गोटे पतला कपड़ा को नै छी आउ एमिति 4 फोल्ड करिकि लंबा आकार रे कपड़ा को रेडी कर नै छी। तो आमर बैटर तो पूरा रेडी होई जाई छी। चालंतु एबे पिठा को तयारी करबा। एबे गोटे नै जिबा फ्लैट तावा आउ गरम हवा को बसे नबा। एमिति गोटे दोसा तावा किंबा आपण को घरे थिबा जे कोनोसी फ्लैट टाइप रो जे कोनोसी तावा आपण नै परिबे आउ चेष्टा करिबे नॉन स्टिक तावा को नबा को, जा द्वारा पिठा आमर पतला हवा सहित बहुत इजी होई थाए पिठा को उठेबा को। तो प्रथमे आमर तावा भलो भाबरे गरम होई गले एबे हल्का पानी को एथिरे छिंचि नबा आउ फ्लेम को मीडियम कर नबा। एबे कपड़ा को बैटर रे गोटे साइड बुड़े कि एमति क्रॉस शेप बा प्लस शेप रे बैटर को स्प्रेड कर नबा। एबे या उपरे हल्का तेल बा घी लगे नबा। पिठार चारिपटरे एमति हल्का चारिपट को आपण घी बा तेल द्वारा लगे नबे।
ଏବେ ପିଠାର ଠିକ୍ ମଝିରେ 2 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ପୁରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିନେବା ଆଉ ହାଲକା ପିଠାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ପିଠାର ଚାରିପଟୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହି ପିଠାର ଚାରିପଟକୁ ଏମିତି ପୁର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ତ ଏହି ପିଠାକୁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବେ, ନହେଲେ ତ ପିଠା ଆମର ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଆପଣ ଲୋ କରିବେନି, ନହେଲେ ତ ପିଠା ଆମର ସଫ୍ଟ ନହୋଇକି ହାର୍ଡ଼ ପିଠା ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ହିଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଠାକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଠା ଆମର ରେଡ଼ି। ତ ଏମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଆପଣ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଗରମ ତାୱାରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଛିଣ୍ଟି ନେବା ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବା। ତାପରେ କପଡ଼ାକୁ ଚାଉଳ ବ୍ୟାଟରରେ ବୁଡ଼େଇକି ଏମିତି କ୍ରସ୍ ସେପ୍ରେ ପିଠାକୁ ଗଢ଼ି ନେବା। ତ ଏବେ ପିଠାର ଚାରିପଟେ ତେଲ ବା ଘିଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେବା ଆଉ ମଝିରେ ପୁରକୁ ରଖିନେବା। ଏବେ ପିଠାର ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଏହି ପୁର ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା। ତ ଏମିତି ସବୁ ପିଠାକୁ କରିକି ରେଡ଼ି କରିନେବା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠାକୁ ଗରମା ଗରମ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିଠା ବନେଇବା କେତେ ସହଜ ଆଉ କେତେ ପତଳା ହୋଇଛି। ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ପିଠାର ଭିତରୁ ମିଠା ଆଉ ଗୋଲମରିଚର ହାଲକା ରାଗରାଗୁଆ ଟେଷ୍ଟ ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଝଟପଟ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏହି ପିଠାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପିରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର।